हमने uh, अभी डिस्कस किया प्रोडक्टिव सिस्टम कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्टिव सिस्टम तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट के व्हाट आर द प्रोडक्टिविटी वेरिएबल्स दे आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है या वो उसकी इम्प्रूवमेंट कम हो सकती है इन इसमें से किसी एक वेरिएबल की वजह से uh, लेबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल प्रोडक्टिविटी का लेबर uh, की वजह से लेबर फोर्स को अगर आप ज़्यादा ट्रेनिंग दें ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करें uh, उसकी उनकी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आए तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी लेकिन कितनी इम्प्रूवमेंट होगी ये रिसर्च के थ्रू देखा गया है कि लेबर फोर्स के ऊपर अगर आप ये काम करें और उनके वो क्या एजुकेशन और स्किल्स को इम्प्रूव करें तो अबाउट टेन परसेंट जो है वो एनअल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में जो होती है उसका टेन परसेंट लेबर की वजह से होगा देन वी हैव कैपिटल हम ऑटोमेशन में चले जाएं कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करें टेक्नोलॉजी बेहतर ले आएँ तो उसकी वजह से भी आपकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट बहुत होती है लेकिन कितनी होती है इट इज़ बेसिकली अराउंड थर्टी टू परसेंट या उससे थोड़ी ज़्यादा होगी या उससे थोड़ी कम होगी बट अराउंड थर्टी टू परसेंट इम्प्रूवमेंट इस शक्ल के अंदर होती है कि आपने जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट किया है नई टेक्नोलॉजी ले आए हैं तो उसकी वजह से बाकी जो uh, वो है इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी uh, के अंदर जो ज़्यादा हो सकती है दैट इज ड्यू टू मैनेजमेंट इसके अंदर इफ मैनेजमेंट स्टाइल को अगर हम देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट मोर देन फिफ्टी परसेंट इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट की वजह से होती है uh, इसकी एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुई थी कि एक कंपनी उसने अपना प्लांट जो है वो जैपनीज कंपनी को बेचा था और बहुत अच्छी अमेरिकन कंपनी थी जिसको सिक्स सिग्मा लेवल की कंपनी कंसीडर किया जाता है तो वो जैपनीज ने वो उनका जो वो प्लांट है वो लिया और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि अमेरिकन ही लेबर फोर्स रहेगी उसको आप चेंज नहीं करेंगे सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी सिर्फ मैनेजमेंट चेंज होगी एंड वॉट दे डिड वॉज कि विद इन वन ईयर दे ऑलमोस्ट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाई फिफ्टी परसेंट इन दैट प्लांट विद अमेरिकन वर्कफोर्स तो उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि मैनेजमेंट से कितने आ, आ, जो परफॉर्मेंस है वो कितनी मैनेजमेंट की वजह से इंप्रूव हो सकती है एक प्लांट की अब अगर हम देखें के वर्कर्स का जो प्रोडक्टिविटी के अंदर इम्प्रूवमेंट है तो उसकी दे आर फोर की वेरिएबल्स वर्कर्स का किस तरह हम कर सकते हैं एक है वर्कर की बेसिक एजुकेशन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपको इलिट्रेसी रेट ज़्यादा मिलेगा तो इधर की प्रोडक्टिविटी लो होगी बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जापान में लिट्रेसी uh, बहुत हाई है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी अगर लेबर uh, प्रोडक्टिविटी को देखें तो वो भी अच्छी खासी हाई है दूसरा इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ डाइट ऑफ द वर्कफोर्स उनके डाइट कैसी है uh, उनको ठीक खाना मिल रहा है कई uh, वो जो फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर वो फॉर एग्जांपल अगर लेड के साथ काम कर रहे हैं जैसे कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उधर वो जो मैनेजमेंट है वो लेबर फोर्स को पर फोर्स जिसको कहते हैं दूध पिलाने का उन्होंने अरेंज किया होता है सो so दैट उनकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट ना हो तो दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फिर सोशल ओवरहेड्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या इस किस्म की चीज़ें तो उससे भी लेबर की प्रोडक्टिविटी uh, इंक्रीज हो सकती है uh, उस क्योंकि लेबर सेटिसफाइड होगी वो uh, अच्छा परफॉर्म करेगी तो उससे की वजह से भी प्रोडक्टिविटी uh, उनकी इंक्रीज होगी और uh, अगर स्किल्स uh, की तरफ हम तोजह दें लेबर की और स्किल्स के अंदर उनको नई नई स्किल्स सिखाएं तो उसकी वजह से भी आप प्रोडक्टिविटी जो है उसके अंदर खातर खा इजाफा कर सकते हैं तो दीज आर फोर की वेरिएबल्स जिसको हम यूज कर कर uh, अपनी वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं